हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टेक डिवाइस के बारे में। जी हाँ, स्टार्टेक डिवाइस जो फिंगर डिवाइस है एक, और उसमें जो है रिन्यूअल जो होता है रिचार्ज आरडी सर्विस, वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसका जो आरडी सर्विस है वो एक्सपायर हो जाता है? बहुत सारे भाइयों का देखा है मैंने कि वो यहाँ पे जो स्टिकर लगा रहता है स्टार्टेक डिवाइस में, वहाँ जो सीरियल नंबर होता है वो मिट जाता है। तो वो विदाउट सीरियल नंबर आप उसको रिचार्ज वगैरह कैसे कर पाएंगे, तो वो सब पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल से वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो आरडी सर्विस है वो एक्सपायर होने के बाद किस प्रकार का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, और आपको आरडी सर्विस को रिन्यूअल कैसे करना है, और इसके कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, मॉनिटर, प्रिंटर और भी सारे सॉफ्टवेयर के जो छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं उसका वीडियो हम लोग बनाते हैं हमारे चैनल पे। और अगर इसी तरह का वीडियो आपको देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है कि इसका ऐप ओपन करके यहाँ पे ओपन कर लिया है। हमारा जो मॉडल नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं ACPL FM220RD, और अभी हमने इसमें जो है कि हमारा जो OTG है उसको कनेक्ट नहीं किया है। बट ये देखिए, हमने जैसे ही इसको यहाँ पे OTG को कनेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं OTG कनेक्ट, ये एक मैसेज आया है, और ये इस पे आपको अलाउज ओपन ACPL ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये रजिस्टर्ड यहाँ पे लेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपके डिवाइस में आपका जो रिचार्ज है वो खत्म हो गया है गाइस, तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगा। ये आपको एरर मिलेगा, वारंटी सब्सक्रिप्शन सपोर्ट वैलिडिटी इज ओवर प्लीज रिन्यू। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये मैसेज देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका जो वारंटी है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे मैसेज आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको रिचार्ज कैसे करना है, और रिचार्ज करने के रिचार्ज जो होगा उसका कितना कितना चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, वो सब सारी चीजें हमें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसको यहाँ पे ओके करना है, और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आप दो प्रकार से आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस डिवाइस को लगाएंगे और इस प्रकार का आपको यहाँ पे ये मैसेज आएगा एरर वाला, और एरर वाला मैसेज आपको यहाँ पे ये देखिए डिवाइस नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर से इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आया है, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा, वैलिड डिवाइस, दिस डिवाइस हैज टू पे सब्सक्रिप्शन एंड वारंटी चार्ज। ओके, और ये जो भी है डिटेल यहाँ पे है इसको आप ओके कर दीजिएगा। आपका जो देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये इसका जो भी है डिटेल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फुल नेम ये डाल दिया मैंने। फुल नेम यहाँ पे डालने के बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है गाइस, ईमेल आईडी डालने के बाद, और ये आपका जो स्टेट है, स्टेट में यहाँ पे ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, ये हम लोग ने स्टेट डाल दिया। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 708 रुपए का आपको यहाँ पे जो है कि देना पड़ेगा, और प्लस इसमें GST भी यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो जो 18% का GST यहाँ पे ऐड होगा तो वो इंक्लूडिंग होके आपको यहाँ पे करना होगा। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 236 का एक रिचार्ज है, ये 1 ईयर के लिए है, इंक्लूडिंग GST है, और इंक्लूडिंग GST मीन्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंक्लूडिंग इसका GST ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सटेंड वारंटी चार्जेस, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब जो भी है GST वगैरह इंक्लूड करने के बाद ये देख सकते हैं 472 का यहाँ पे रिचार्ज आपको होने वाला है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पे वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी है UPI या फिर डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, आप जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको इजीली करके इसको रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे हो गई। चलिए अब मैं एक तरह से आपको और बताता हूँ कि किस टाइप अलग टाइप से आप इसको और रिचार्ज कर पाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टार्टेक डिवाइस रिचार्ज। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है onlinerdservice.com, और इस वाले साइट पे आपको आना है, फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रकार के डिवाइसेस हैं, जैसे कि ये मार्फो हो गया, ये मंत्रा हो गया, यहाँ पे सिक्योजन का हो गया, और ये स्टार्टेक हो गया, और
ये आरटेक हो गया, ये बहुत सारे टाइप के यहाँ पे डिवाइसेस हैं, यहाँ पे आप इसको जाके इजिली रिचार्ज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पे करना है मंत्रा का ये स्टार टेक का, तो हम लोग स्टार टेक वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे जो है कि थोड़ा रीड कर लेना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टेक आरडी सर्विस रिन्यूअल रिचार्ज फॉर्म, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, स्टार्टेक आयरिस आरडी सर्विस रिन्यूअल रिचार्ज फॉर्म। तो ये आयरिस है जो आई वगैरह को स्कैन करने के लिए होता है, वो स्टार्टेक का डिवाइस, वो इसका रिन्यूअल का यहाँ पे फॉर्म है। और ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका फिंगरप्रिंट वाला है, तो फर्स्ट वाइट वाले को यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इसका जो फॉर्म है आपके सामने यहाँ पे खुल के आएगा, और फॉर्म को फिलअप करना है। और उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि पिछले रिचार्ज में फॉर्म में हम लोग ने देखा था, वहां पे वो एडिशनल चीजें हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रही थी। बट ये वाले ऑप्शन में कुछ आपको एडिशनल देखने के लिए मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो है कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी तरह का जो है कि वीडियो आप हमारे चैनल पे देखेंगे, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ये चीज को खोला, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं स्टार्टेक आरडी सर्विस रिन्यूअल रिचार्ज। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप लोग का अगर ये नीचे वाला L1 वाला मॉडल है तो आपको L1 लेना है, और अगर आपका नॉर्मल L0 वाला है तो L0 वाला लेना है। ये चीज आपको फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सर्विस वैलिडिटी, तो सर्विस वैलिडिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप का है, एक 1 ईयर का है और नीचे 1 ईयर आरडी विथ प्लस वारंटी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो आप ये आरडी सर्विस करेंगे इसके साथ साथ आपको वारंटी भी मिलने वाली है वहां पे, तो ये आप देख सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस प्रकार का यहाँ पे सर्विस लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि एक सेकेंड ओके एक सेकेंड हाँ, तो इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सर्विस टाइप जो है यहाँ पे इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप इसको रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करने के बाद 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो रिचार्ज है यहाँ पे हो जाने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जैसे ही हम लोग नॉर्मल हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए अमाउंट में यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे 318 रुपए का है, और यहाँ पे इंस्टेंट वाले में आपको 339 यानी कि 339 रुपए का आपको यहाँ पे देखने के लिए रिचार्ज मिल जाता है। तो इसमें टोटल आपको 24-25 रुपए का यहाँ पे फर्क है। अगर आप नॉर्मल वाले पे करेंगे तो ये 6 घंटे के अंदर अंदर इनका जो है कि रिचार्ज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा आपके डिवाइस पे। और अगर आप इंस्टेंट वाले को लेंगे तो 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो डिवाइस है यहाँ पे एक्टिव हो जाने वाला है। उसके बाद हम लोग आते हैं एएमसी ऑनलाइन सपोर्ट, तो एएमसी ऑनलाइन सपोर्ट पे जैसे हम लोग देखिए ये 2 टाइम वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि टेक सपोर्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा, और ऑनलाइन अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो यहाँ पे 2 टाइम आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपके डिवाइस पे, और जो भी दिक्कत है उसको रिजोल्व किया जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं टेक सपोर्ट 5 टाइम है, तो 5 टाइम आप करोगे तो इसका जो रिचार्ज अमाउंट है ये यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, अगर कुछ ये एक्स्ट्रा वाले बेनिफिट से आप अगर इसको रिचार्ज करेंगे तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना GST लगा है और कितना ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपका टोटल हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर, जो आपका डिवाइस का सीरियल नंबर है वहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, और उसके बाद टर्म और कंडीशन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग टर्म और कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और नेक्स्ट ऑप्शन आने के बाद आपका जो भी पेमेंट डिटेल है वो उसको आपको UPI के थ्रू या फिर जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू आप यहाँ पे लिंक करा के इसका पेमेंट आप इजिली कर पाएंगे, और जो है कि ये सब बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और हमारे चैनल पे मंत्रा मार्फो और भी जो डिवाइसेस हैं उनका भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है मंत्रा मार्फो या फिर और भी किसी फिंगर डिवाइस में, तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं।